नवभारती टीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा, आज जो आपका टॉपिक है वो है ज्ञान के कार्य। हमने कल भी ज्ञान के कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उसमें से मैंने ज्ञान के कार्य को चार भागों में विभाजित किया था। फर्स्ट था हमारा व्यक्तिक संबंधी, सेकेंड था हमारा समाज संबंधी, थर्ड था हमारा राष्ट्र संबंधी और फोर्थ था हमारा व्यावसायिक संबंधी और एक अन्य कारण है हमारा वातावरण संबंधी। इसमें से मैंने व्यक्तिक संबंधी के बारे में आपसे विस्तार से अध्ययन किया। व्यक्तिक संबंधी, व्यक्ति जैसा कि इसके नाम से संबंधित हो रहा है कि व्यक्तिक संबंधित होता क्या है, यानी कि व्यक्ति के स्वयं से संबंधित। इसमें मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि व्यक्तिक संबंधी में मनुष्य अपना जो कार्य करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पहला पॉइंट हमारे भावी जीवन को उच्च स्तर का बनाने के लिए, ये मेरा सेकंड पॉइंट था इसमें, और थर्ड पॉइंट था मानवीय गुणों का विकास। इस तरह से मैंने आपको व्यक्तिक संबंधी के बारे में बताया था। आज हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है समाज संबंधी, यानी कि जब व्यक्ति स्वयं के कार्यों का अध्ययन करता है उसके बाद में व्यक्ति का संबंध समाज से होता है, यानी व्यक्ति बिना समाज के अधूरा होता है, कहा जाता है समाज में हर जो व्यक्ति है वो समाज में समाज का एक हिस्सा होता है और समाज से संबंधित भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, समाज संबंधी उसके कार्य होते हैं, उसी तरह से हमारे राष्ट्र संबंधी भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ये सब जो कार्य है ये हमारे कार्य की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं का ही ज्ञान हमें ज्ञान करवाता है। इस ज्ञान के आधार पर ही हम हमारे कार्यों का विभाजन करते कि हमें हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे व्यवसाय से संबंधित ये हमारे क्या क्या अधिकार है या हमारे क्या क्या कार्य हैं। इसी में पहला है समाज संबंधी। समाज संबंधी जो है कि समाज संबंधी कार्य क्या क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक नियम संबंधी कार्य, अर्थात हम समाज में जो नियम बनाते हैं, समाज में जो नियम बनते हैं वो नियम एक उच्च श्रेणी मतलब जो उच्च उनका जो खुद का एक पर्सनैलिटी उनकी जो हमारी नज़र में बहुत उच्च होती है वो नियम बनाते हैं, अच्छे आदर्श लोग समाज की स्थापना करते हैं, समाज के नियम बनाते हैं और उन्हीं आदर्शों को हम फॉलो करते हुए हम उन नियमों का पालन करते हैं। अर्थात कहा जाता है कि सामाजिक नियम बनने के लिए हमें स्वयं को एक आदर्शता के रूप में स्थापित करना होता है, उसी आदर्शता के रूप में हम उन नियमों का पालन करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि आज हमने देखा है कि हमारे समाज में अनेक महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, राजा राम मोहन राय हुए। अगर हम अपनी पहले की जो प्राचीन काल में देखें तो हम आज के टाइम पे हर मनुष्य कहता है कि हर सिंपल सा उदाहरण अगर हम ये सोचें कि हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र श्रवण बने, हर इंसान ये चाहता है कि मैं राम बनूं, राम बनने की कोशिश करें। तो ये क्यों है, कहा जाता है इन्हीं महापुरुषों के आधार पर, इन महापुरुषों की जो जीवन परिचय होते हैं वो हमें प्रभावी करते हैं और हम उसी नियम के प्रति हम उन नियमों का फॉलो करना चाहते हैं, अर्थात उनके जो संस्कार हैं वो हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं सामाजिक नियम जो बनते हैं वो एक महापुरुष, एक आदर्श व्यक्ति बनाता है और उसी के रूप में हम उनको फॉलो करते हैं, ये सामाजिक नियम होते हैं। क्योंकि समाज के स्वयं के कोई नियम होते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे, एक अच्छे मनुष्य के आदर्शों का हम पालन करेंगे तो हम भी एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। अगर हम किसी गलत संगति में उसी गलत संगति का पालन करेंगे तो हम भी उसी तरीके से गलत बन जाएंगे। इसीलिए हमें समाज में एक अच्छे महापुरुषों की, एक अच्छे नियमों की पालना करनी चाहिए। सेकंड है हमारा प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य संबंधी कार्य। प्राचीन साहित्य संबंधी, जैसे हम कहते हैं कि समाज में क्या क्या व्याप्त होता है, हम प्राचीन समय से और आज की तुलना करते हैं। जब हम किसी नियम को बनाने जाते हैं, किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो हम हमारे जो प्राचीन साहित्य, यानी पहले जो हमारी प्राचीन साहित्य के पुराने, हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम अपने अगर सिंपल तौर पर रखें तो हम रामायण को पढ़ते हैं, कभी हमारा मन व्यथित होता है तो हम इन चीज़ों का पालन करते हैं, रामायण पढ़ें, हम गीता पढ़ें, यानी कि हम कहीं ना कहीं उन साहित्यों पर चले जाते हैं। हमारे सामने ऐसी कोई दुविधा आती है तो हम सोचते हैं,
साहित्यों में, जैसे चाहे हम तुलसी के बारे में सोचें, राम के बारे में सोचें, राजा राम मोहन राय के बारे में सोचें, हम उनके बारे में उन्हीं के साहित्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते हैं तो प्राचीन साहित्य जो होते हैं वो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को देखते हुए आगे कार्य करने की रूपरेखा बनाते हैं कि क्या इन लोगों ने ये कार्य किया, उसके बाद में इनको क्या प्रतिफल मिला, उसी को ध्यान में रखते हुए हम उस कार्य को करते हैं। ये है हमारा प्राचीन साहित्य संबंधी कार्य। थर्ड है हमारा सामाजिक कृतियों के समाप्त संबंधी कार्य, यानी कि मनुष्य का कार्य होता है, व्यक्ति का कार्य है, क्योंकि वो खुद एक समाज का हिस्सा है, वो खुद एक समाज का हिस्सा है व्यक्ति। तो अगर समाज में कोई बुराइयां हैं तो हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम अगर मनुष्य ने ज्ञान अर्जित किया है तो वो सही और गलत का भेदभाव कर सकता है, वो ये सोच सकता है कि ये गलत है। जैसे कि हमने देखा प्राचीन समय से जब हम एक शिक्षित, कहते हैं भारत एक शिक्षित देश नहीं था, हमारे यहाँ पर दहेज प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी, हमारे यहाँ पर पर्दा प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित होने लगे हमने इन प्रथाओं का खंडन करना शुरू कर दिया। तो क्यों किया ये खंडन? हमने खंडन किया इसका शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हम खुद शिक्षित होने लगे, हम ज्ञान अर्जित करने लगे कि हम अगर पर्दा प्रथा में रहेंगे तो हम आगे तक नहीं बढ़ सकेंगे। हम जिस तरह से आज देखा है कि दहेज प्रथा के हम परिणाम देखते हैं कि क्या क्या दहेज प्रथा के परिणाम हो रहे हैं, तो इसी तरीके से कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। हम बिना ज्ञान के अर्जित करे हुए हम इस कुरीतियों को दूर नहीं कर सकते। अर्थात हमें कोई भी समस्या या कोई भी बुराई को दूर करने के लिए ज्ञान हमारा सहारा बनता है। कहा जाता है कि हमें किस तरीके से इस कुरीति को दूर करना है, ये हम ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं। फोर्थ है हमारा समाज सुधार, समाज सुधार कार्य, यानी कि हम अगर कुरीतियों को दूर करेंगे तो हमारे समाज में सुधार होगा, समाज का विकास होगा। हम उन्हीं तरीके से जो भी हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करके हम एक समाज सुधारक बन सकते हैं, हमारे समाज में सुधार कर सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हम समाज में धीरे 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 परिवर्तन होता चला जाता है, जैसे हमने पहले देखा कि जहाँ हमारे समाज में हम एक शिक्षित वर्ग बहुत कम होता था, लेकिन आज के टाइम पे हर स्त्री भी शिक्षित है और अभी के हमारे देश में एक शिक्षित होना, तो ये सुधार कार्य है। जब हम कुरीतियों का समाप्त करेंगे तो हमारे समाज में सुधार होगा। पांचवा है हमारा धर्म के विषय में उदार, अर्थात हमें सभी धर्म को बराबर समझना चाहिए, उनका सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। पहले हमने देखा जब हम ज्ञान अर्जित नहीं थे, हम इस चीज से अनभिज्ञ थे, तब हमें धर्म की एक लाइन खींची हुई थी, हम उस धर्म की आड़ में छिपे हुए थे। हम प्रत्येक मनुष्य अलग अलग धर्म में आस्था रखता था और एक दूसरे के धर्म की वो उनको उनका आदर नहीं करता था, लेकिन आज हमने देखा है, आज ये हमारी चीज में है, हमारे संविधान में है, हमारे समाज में है, हमारे देश में है कि हमें सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम आज के टाइम पे पढ़े लिखे और ज्ञानी हैं, शिक्षित हैं, और उसी के आधार में हम सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान करते हैं। अर्थात ये ज्ञान के द्वारा ही संभव है कि हमें धर्म का बराबर आदर करना चाहिए, हम उदार बने, जिससे कि हम सभी धर्मों का समान रूप से उनकी पालना करें, उनका सम्मान करें। सिक्स पॉइंट है हमारा सामाजिक व्यवस्था संबंधी, हर समाज को व्यवस्थित करने के लिए समाज में एक व्यवस्था, एक कानून होता है, समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ऐसा प्राचीन काल में हुआ था कि समाज का वर्गीकरण किया गया था, अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था, जिसे हम कह रहे हैं कि प्राचीन काल में शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि जाति में, आदि वर्णों में इनको विभाजित कर दिया था। लेकिन जब क्यों किया गया? क्योंकि हम ज्ञानी नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, हम शिक्षित नहीं थे। लेकिन आज जो हम हैं, हम इस वर्ग को यहाँ पर नहीं मानते, हमारे लिए यहाँ सभी धर्म, सभी श्रेणी, सभी वर्ण, सभी हम समान हैं। हम इस वर्ण व्यवस्था को हम आज के टाइम पे नहीं मानते, चाहे वो रंग भेद हो या हमारी जाति का हो, हम किसी चीज का भेदभाव नहीं करते। आज मनुष्य का सबसे बड़ा
की श्रेणी है तो वो होती है एक मानवीय गुण की सी पहचान की वो किस तरीके से दूसरे मनुष्य की सहायता कर सकती है। अर्थात हम धर्म के आधार पर वर्ण के आधार पर हम उसका विभाजन नहीं करते हैं, हम उसका विभाजन केवल हम अपने कार्यों से करते हैं। अर्थात हमारा ये चीज जो आज प्रचलित